शराब घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने ईडी के केस में जमानत मिलने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया था। तब से ही अरविंद केजरीवाल सीबीआई के मामले में भी कोर्ट से जमानत मिलने के इंतजार में अपने दिन जेल में बिता रहे हैं। हाई कोर्ट में उनकी जमानत पर फाइनल सुनवाई 29 जुलाई को होनी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ी खबर आ गई। जी हाँ, बता दें कि सीबीआई मामले में 25 जुलाई को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। सुनवाई के बाद दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी 29 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फाइनल सुनवाई से पहले कोर्ट के इस फैसले से उन्हें जरूर झटका लगा है। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 12 जुलाई को सीएम अरविंद केजरीवाल की 25 जुलाई तक सीबीआई की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। अब अरविंद केजरीवाल के लिए सीबीआई के मामले में जमानत पर सुनवाई से पहले 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत का बढ़ना मायूसी भरा फैसला जरूर हो, लेकिन 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर जो फैसला सुरक्षित रखते हुए ये कहा था कि जमानत याचिका पर फाइनल सुनवाई 29 जुलाई को होगी, तो अरविंद केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुरक्षित रखे गए फैसले से बड़ी उम्मीदें होंगी कि जब वो फैसला सुनाया जाए तो कोर्ट का आदेश उनके हक में हो। साथ ही 29 जुलाई को हाई कोर्ट में होने वाली उनकी जमानत पर फाइनल सुनवाई से भी केजरीवाल को जमानत मिलने की बड़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है, और अगर अब सीबीआई वाले मामले में उन्हें जमानत मिल जाती है तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होंगे, और अगर जमानत नहीं मिलती तो उनकी कानूनी लड़ाई और लंबी होती चली जाएगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि 29 जुलाई को हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है या फिर दिल्ली के सीएम को अभी कुछ दिन और जेल की सलाखों के पीछे ही बिताने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।